विजय रूपानी जी गुजरात के पूर्व सीएम और पार्टी के अध्यक्ष भी वहाँ रहे और आजकल उनको पंजाब भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के नाते दायित्व मिला है। और गुजरात विजय के बाद उनका पहला दौरा पंजाब के अंदर है और आज पार्टी ने संगठनात्मक बैठकें रखी हुई हैं। सर, जो पंजाब के हालात हैं अभी, उसको किस तरह से देखते हैं आप? जो पिछले दिनों भी पंजाब के अंदर पूरी तरह से सरकार लोगों को सुरक्षा देने में असफल रही है। यहाँ कानून का नहीं, जंगल राज चल रहा है। आए दिन कोई ना कोई हत्या होती रहती है और ये सरकार जो है सोई हुई है। पंजाब के अंदर पहले जो टूरिज्म पे रहे और पंजाब, क्योंकि पंजाब की से नहीं चल रहा, दिल्ली से चल रहा है, इसलिए ना ये पंजाब की समस्याओं को समझते हैं, ना पंजाब के की संवेदनशीलता को समझते हैं और पूरी तरह से कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं और पंजाब को राम भरोसे छोड़ा है। आरपीजी अटैक हुआ है, आप कह रहे हैं। देखो, मैंने तभी कहा ना कि ये सुरक्षा देने में पूरी तरह असफल है। मोहाली के अंदर अटैक हुआ इंटेलिजेंस के ऑफिस पे और उसके बाद जो तरन तारण के अंदर हुआ है, ये सरकार कब जागेगी? मुख्यमंत्री बार बार एक ही बयान देते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है। ठीक कानून व्यवस्था क्या ऐसी होती है? इनकी इंटेलिजेंसी कहाँ सोए रहते हैं ये लोग कि इनको समय घटना घटित होने के बाद चौकसी करना, उसका क्या अर्थ है? इसलिए ये सरकार जागे, पंजाब के अंदर जो भय का वातावरण है, डर का वातावरण है, लोगों को सुरक्षा देने में ये सरकार पूरी तरह फेल जो हुई है, इसको अभी कब जागेगी ये देखना होगा। देखो, पंजाब ने, मैंने बहुत बार कहा है कि पंजाब ने बहुत बुरे दिन देखे हैं, काला दौर देखा है। पंजाब के अमन शांति को किसी भी कीमत पर भंग नहीं होने देना चाहिए और ये दायित्व सरकार का है और ये सरकार फिलहाल वो दायित्व निभा नहीं रही। पंजाब को तोड़ने वाली बयानबाजी, पंजाब को भाई को भाई के सामने करने वाली बयानबाजी, पंजाब के अमन और शांति को भंग करने वाली बयानबाजी, सरकार को जागना होगा और ऐसे सभी तत्वों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो पंजाब के अमन और शांति को भंग करना चाहते हैं।